आम आदमी पार्टी हरियाणा की उपाध्यक्ष सुचित्रा सरवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कमी, एक्सप्रेस सरचार्ज, महंगी बिजली को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग हरियाणा से पलायन करने को मजबूर हैं। के ऊपर कैग की जो एक रिसेंट रिपोर्ट आई है उसने एक बहुत बड़ी, मैं समझूंगी, रोशनी डाली है, उसने प्रकाश किया है कि हरियाणा में बिजली की दुर्गति, दुर्व्यवस्था जो है इसके पीछे हरियाणा सरकार की नीति, इनकी योजना और इनकी नियत है, इनकी पॉलिसी, इनकी प्लानिंग और इनकी इंटेंशन है जिसकी कीमत आज पूरा हरियाणा प्रदेश चुका रहा है। कैग की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2016 से लेके 2021 तक का जो समय रहा, ये 5 साल हैं, इसके अंदर HPGCL जो हमारा उद्योग है, हमारा जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग बिजली का जो हमारा यूनिट है, उसको तकरीबन एक शॉकिंग अमाउंट है 15,500 करोड़ का उसने नुकसान झेला है मात्र 5 सालों में। इस फिगर को अगर हम एनुअली लें तो 3,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान पे हरियाणा का HPGCL पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें, खामियाजा जो जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, ये उसी की वजह से है।